हरे कृष्णा एवरीवन। सो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट अवर रिवीजन, ओके, क्वार्टरली सिलेबस मैथ्स रिवीजन, ठीक है। सो हम लोग अभी क्वार्टरली सिलेबस जो आपको मिला है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे न्यू हैं वो भी रिवाइज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट बिग स्मॉल लॉन्ग शॉर्ट एंड रोलिंग स्लाइडिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा बिग है, कौन सा स्मॉल है, लॉन्ग और शॉर्ट कौन सा है, और रोलिंग और स्लाइडिंग कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर दिया है एलिफेंट और यहाँ पर दिया है माउस, ओके। तो एलिफेंट क्या होता है, बिग होता है, तो एलिफेंट के आगे हम लोग राइट डाउन करेंगे बिग, एंड माउस के आगे हम लोग राइट डाउन करेंगे स्मॉल, SMALL small and BIG big, okay? Then second है स्नैक एंड caterpillar, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग कौन सा है, स्नैक है, तो लॉन्ग राइट करेंगे LONG, लॉन्ग स्नैक हो जाएगा। और caterpillar क्या होता है, शॉर्ट होता है, what is the spelling of short, 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 okay? एंड देन बॉल, ठीक है। बॉल क्या होती है, रोलिंग होती है, स्लाइडिंग रोलिंग होती है, ओके। तो हम राइट करेंगे रोलिंग, ROLLING, रोलिंग, ओके। और बैट क्या होता है, स्लाइडिंग होता है, तो बैट हो जाएगा स्लाइडिंग, SLIDING, स्लाइडिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, राइट द नंबर्स एंड नंबर्स नेम 1 to 9, ठीक है। तो हमको नंबर्स लिखना है और नंबर्स नेम लिखना है 1 to 9। सो ये नंबर लिखा है नंबर 1, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 1, ONE, ठीक है। 2 की TWO2, 3 THREE, 4 FOUR, 4 5 FIVE, 5 then 6 SIX, 6 then 7 SEVEN, 7 then 8 EIGHT, 8 and then 9 NINE, 9, ओके। आपको सभी को ये स्पेलिंग्स राइट डाउन करनी है अपनी कॉपी में और लर्न भी करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विथ ग्रेटर स्मॉलर यूजिंग द नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पर नंबर्स दिए हैं, हमको फिलअप करना है साइन का यूज करके, ठीक है, कि कौन सा नंबर बिग है और कौन सा स्मॉल नंबर है, ग्रेटर और स्मॉल है, ठीक है। नंबर लाइन का यूज करके करेंगे। नंबर लाइन का कैसे यूज करते हैं हम, जो भी नंबर जीरो के पास होता है उसको हमको कंपेयर करना होता है, जो भी नंबर जीरो से दूर होता है, ठीक है। तो जीरो से दूर जो नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, बिग नंबर होता है, और जो नंबर पास होता है जीरो से वो स्मॉल नंबर होता है, ठीक है, स्मॉलर और ग्रेटर, ठीक है। देन 7 and 6, 7 देखेंगे तो जीरो से 7 यहाँ पर है, ठीक है, और 6 कहाँ है, ये रहा। जीरो से कौन सा नंबर पहले आता है, 6 पहले आता है, 7 बाद में आता है। तो देखिए यदि हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो 7 की लाइन जो है वो ग्रेटर बनेगी, 6 की लाइन क्या बनेगी, स्मॉलर बनेगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, 7 ग्रेटर हो जाएगा। ग्रेटर होता है तो हम कौन सा साइन लगाते हैं, जो ओपन माउथ है वो ग्रेटर नंबर की तरफ लगाते हैं, ठीक है। 9 and 8, जीरो से हम देखेंगे पहले 9 एंड जीरो से फिर 8, पहले कौन सा आ रहा है, 8, तो 8 क्या हो जाएगा, स्मॉल नंबर, और 9 क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर। सो हम लोग ये वाला साइन लगाएंगे। 2 and 9, 2 ये रहा और 0 से 9 यहाँ पर है, ठीक है। तो 9 बहुत दूर है, मतलब 9 ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस साइड लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जहाँ ओपन माउथ किस साइड लगाते हैं, ग्रेटर नंबर की तरफ। 3 and 1, 0 से ये रहा 3 और 1, तो पास में कौन सा है 1 और दूर कौन सा है 3, तो 3 हो जाएगा ग्रेटर नंबर। 1 and 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और ये 0, तो 1 हो जाएगा आपका ग्रेटर नंबर। 2 and 4, 2 और 4 में 4 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच नंबर कम्स जस्ट आफ्टर 8, 8 के
जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है सभी को पता है? 9. विच नंबर कम्स जस्ट बिफोर 5? 5 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है? जस्ट बिफोर 5. 5 के जस्ट पहले 4. एंड देन विच नंबर कम्स इन बिटवीन 7 एंड 9? 7 एंड 9 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 8. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एड यूजिंग द नंबर लाइन. ठीक है, हमको ये ऐड करना है नंबर लाइन का यूज करके. ठीक है, ये नंबर लाइन हम लोग इसी का यूज कर लेंगे. ठीक है, 3 प्लस 6. ठीक है, तो ये रहा 3 से हमको प्लस 6 करना है. तो 3 से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, तो कहाँ आ गए हम लोग? 9 पर आ गए. तो आंसर हो जाएगा 9. देन 5 प्लस 4. ठीक है, 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 से 4 प्लस करना है. तो 5 के बाद 6, 7, 8 एंड 9. कहाँ गए? 9 पे. तो हमारा आंसर आ गया 9. देन 2 प्लस 6. 2 ये रहा, 2 से 6 ऐड करना है हमको. ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. कहाँ पर आ गए हम लोग? 8 पर. तो 2 प्लस 6, 8. एंड देन 2 प्लस 7. 2 से स्टार्ट करेंगे, 7 ऐड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो कहाँ गए हम लोग? 9 पर आ गए. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9. ओके, सो आज हम लोग ये 5 क्वेश्चंस किए हैं हमने. ये 5 क्वेश्चंस आज आपको कंप्लीट करना है अपनी कॉपी में अच्छे से, और अच्छे से इनको लर्न करना है, समझना है. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है.